ग्रामीण अंचलों में मौजूद लोगों को शासकीय योजनाओं के साथ अन्य माध्यमों से जागरूक करने की कोशिश राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा की जाती है। लिहाजा 15 से 21 दिसंबर तक सीएमडी महाविद्यालय एनएसएस इकाई कोटा के ग्राम नेवसा में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके लिए बुधवार को सेवा योजना के विद्यार्थी महाविद्यालय से रवाना हुए। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा महाविद्यालयों में इकाइयों का गठन कर जगह जगह जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो वहीं सेवा योजना के विद्यार्थी ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर वहां शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता के साथ विभिन्न कार्यों को भी करते हैं, जिससे गाँव में सुविधाएँ बढ़ सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई सीएमडी महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय जन जागरण अभियान हमर अंगना के तहत सेवा योजना इकाई का दल कोटा विकासखंड के गोद ग्राम नेवसा के लिए रवाना हुआ। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण के संबंध में किए जा रहे जन जागरूकता अभियान को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल, आवर सचिव ध्रिजेंद्र सिंह सहित सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे और महाविद्यालय के प्राचार्य संजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 दिन तक ग्राम नेवसा के सभी घरों में जाकर यहां मौजूद लोगों को इस जन जागरूकता अभियान से जोड़ेंगे, जिसके माध्यम से उन्हें बताया जाएगा कि घरेलू हिंसा से बचाव और इसमें शासकीय प्रावधान क्या क्या है। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विद्यार्थियों के द्वारा क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को भी गति दी जाएगी, जिसके तहत वहां मौजूद तालाब के संरक्षण को लेकर भी विद्यार्थी वहां श्रमदान के माध्यम से तालाब को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि सीएमडी महाविद्यालय के द्वारा कोटा विकास खंड के ग्राम नेवसा को गोद ग्राम बनाया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से महाविद्यालय के द्वारा लगातार यहाँ पहुँच कर कई विकास कार्यों को किया गया है, जिससे यहाँ मौजूद ग्रामीणों को काफी सुविधा मिली है। तो वहीं महाविद्यालय प्रशासन का भी मानना है कि जिस तरह की व्यवस्था ग्राम के विकास के लिए महाविद्यालय से होगा, वह लगातार इसमें प्रयासरत रहेगा। दुबे कॉलेज के द्वारा हर साल इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, अपने आप में बहुत अनूठी पहल है और एनएसएस के जो भी सब लोग इसमें जो शामिल हैं और जो समर्पण भाव से वो कार्यक्रम करते हैं, विगत वर्ष भी किया गया था, हम लोग खुद गए थे वहाँ पर और निश्चित रूप से इसके लिए सभी बधाई के और साधुवाद के पात्र हैं। लगातार बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीएमडी महाविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ विधि के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं विधि विभाग की तरफ से, और इस बार भी 7 दिन का एक जागरूकता प्रोग्राम गांव में चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को जो परेशानी होती है उसको विशेष रूप से जो उनको सहयोग करना है, जो उनको गाइड करना, मार्गदर्शन देना है, एनएसएस की जो हमारी छात्राएं और एनएसएस के जो छात्र रहते हैं वो उनको उस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। कोरोना के बाद यह पहला शिविर महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। ज्यादा विद्यार्थी भी इस शिविर को लेकर काफी उत्साहित है और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के अलावा सामाजिक कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा किए जा रहे यह प्रयास ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रैन कंपनी न्यूज के लिए कैमरामैन हर नारायण देवांगन के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।